हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th टर्म 1 2021 2022 सीबीएसई सैंपल पेपर सब्जेक्ट मैथ्स 21 से लेके 40 तक, 1 से लेके 20 तक जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का, वो हम इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज हम करेंगे 21 से लेके 40 तक, जिसमें हमारे एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी होंगे, केस स्टडी के भी क्वेश्चन होंगे और कुछ एमसीक्यू के भी क्वेश्चन बचे हुए 10 क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जो चैनल में पहली बारी हैं, प्लीज सब्सक्राइब फॉर द कमिंग नेक्स्ट वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करें ताकि आपके लिए नई नई वीडियो आती रहे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है सैंपल पेपर क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर 21 ये सैंपल पेपर है 2021 से लेकर 2022 जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है, जिसके हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और प्लस 5। अब इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका हम डिवाइड वाला कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि px एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स। तो अगर हम px को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्यू एक्स आएगा, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई के से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई, x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर x इन सब से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2 इन सब से मल्टीप्लाई, माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस में 5। फिर ये सेम आएगा, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब एक्स को ए एक्स से इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और फिर बी से करेंगे, फिर किससे करेंगे इसको बी से। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स को ए एक्स से, ए एक्स स्क्वायर एक्स को बी से क्या आएगा, बी एक्स आएगा, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 को ए एक्स से, तो माइनस 2 ए एक्स और माइनस 2 को बी से, माइनस 2 बी प्लस में 5। एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद वही सेम, माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो इसमें एक्स क्या जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या, इसमें इसमें एक्स बाहर आ गया तो बचा क्या बी एक्स, एक्स बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या इसमें बी। इसमें x बाहर आ गया तो बचा b, इसमें x बाहर तो माइनस 2a और ब्रैकेट क्लोज x और क्या बचा, माइनस 2b प्लस 5। अब कंपेयर कर देंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयरिंग x क्यूब एक्स क्यूब सेम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ क्या है a माइनस 2। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a माइनस 2 और यहाँ x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब a माइनस 2 को किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो a कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब चाहिए क्या b, अब ये मेरे पास क्या है, या तो x के कोफिशिएंट से कंपेयर करो या कांस्टेंट से, ये मेरे पास क्या है कांस्टेंट टर्म, तो माइनस 2b प्लस 5 ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कर तो b इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2, ये कितना आएगा 4, तो b इज इक्वल टू 4, तो b 4 आ गया और a कितना आ गया 3, तो मेरे पास a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4, तो मेरे पास आंसर क्या है डी आंसर है, क्या आंसर है डी। और इसे थोड़ा और कैलकुलेशन स्पीड से करोगे तो आपको स्पीड बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में करोगे, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना।
ये सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 21। अब करेंगे 22 सैंपल पेपर 2021-2022 मैथ्स का। एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस मीन आइसोसेलेस जिसकी दो साइड होती है। ये हमारे पास एबीसी है, ए और ये बी और ये सी। आइसोसेलेस मीन दो साइड इक्वल है जिसमें ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है। अगर ए बी 13 सेंटीमीटर है तो ए सी भी 13 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ए से हमने क्या ड्रॉ किया अल्टीट्यूड, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, और वो क्या ले लिया ए डी, जो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, बी सी निकालना है। क्या निकालना है, बी सी। बी सी क्या है, बी डी और डी सी का सम। लेकिन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमेशा परपेंडिकुलर, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में और इक्विलेटरल ट्राइंगल में, दोनों में परपेंडिकुलर हमेशा मीडियन का काम करता है। परपेंडिकुलर एक्ट एज ए मीडियन, परपेंडिकुलर हमेशा मीडियन का काम करता है, मींस डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। तो इसका मतलब बी डी किसके बराबर, सी डी के बराबर। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी किसके बराबर, सी डी के बराबर। तो इसका मतलब बी सी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी डी, और तो बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ बी डी या बी डी प्लस सी डी, दोनों आपस में बराबर। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, मीन्स डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इन आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ऑलवेज एक्ट एज ए मीडियन, एक्ट एज मीडियन मीन्स डिवाइड अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट, अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये क्या है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ए बी डी, ए बी डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, बी डी की। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। और अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो ध्यान रखिए, अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो दोनों के साइड के स्क्वायर का सम कर देंगे, और अगर हम मुझे बेस या परपेंडिकुलर निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमेशा इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी निकालना है स्क्वायर प्लस में ए डी कितना, 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस 25। ये 25 प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, 144 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, रूट में 144 इज इक्वल टू बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144 का रूट 12 सेंटीमीटर। तो 12 बी डी हो गया और 12 डी सी हो गया। तो बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू 12 प्लस 12 मीन्स 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। तो बी सी मेरे पास आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका आंसर है सी। तो बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर टू कॉन्जिकेटिव, कोई भी कॉन्जिकेटिव नंबर, इसका मतलब 8, 9, 16, 17 कॉन्जिकेटिव नंबर लगातार एक के बाद एक, इनका हमेशा एच सी एफ मीन्स कॉमन फैक्टर केवल क्या होता है, 1। जैसे 8 इंटू में 1 इज इक्वल टू 8 आ गया, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, तो कॉमन फैक्टर इज 1, कॉमन फैक्टर 1। तो इसका मतलब एच सी एफ ऑफ टू कॉन्जिकेटिव नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब रूट थ्री कब होता है, टेन कितना, 60 इज इक्वल टू रूट थ्री। टेन 60 किसके बराबर होता है, रूट थ्री के बराबर। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 60। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 10 60।
टेन थीटा किसके बराबर होगा, 1060। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, 1060। 10 से 10 हट गया तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 60। तो निकालना क्या है, सेक। तो सेक थीटा, थीटा की जगह 60, तो सेक थीटा कितना होता है, सेक 60 कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। सेक 60 इज इक्वल टू 2, क्यों, सेक 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos 60, और cos 60 कितना होता है, 1 बाई 2, 2 का चला जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ गया, 2। तो इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 25, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन विच हैज डिग्री 1 इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हमारा कब होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, मैनी सॉल्यूशन हो, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो दैट विल बी कंसिस्टेंट। इट हैज, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मीन वन सॉल्यूशन, मैनी मीन्स बहुत सारे, तो आंसर इज बी, सीधा आंसर आ गया, कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या करती है, यूनिक सॉल्यूशन की, आंसर हमारा क्या है, बी। आपने पढ़ा होगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और फॉर मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके लिए क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इन दोनों में से कोई भी होगा तो क्या होगा, दैट विल बी कंसिस्टेंट। अब हमारे क्वेश्चन हो गए 25, सैंपल पेपर मैथ्स का 2021-2022। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी, ABC, DE और ये F, एबीसी क्या है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। सिमिलर का मतलब क्या है, इट इज सिमिलर, इट इज द सिंबल ऑफ सिमिलर। सिमिलर का मतलब है साइज प्रोपोर्शनल होता है, और शेप क्या होती है, सेम होती है। साइज प्रोपोर्शनल मींस साइड का रेशो सेम होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ए बी अपॉन में, देखो ए बी अपॉन में DE, ए बी अपॉन में DE इक्वल टू बी सी अपॉन में EF, बी सी अपॉन में EF इक्वल टू ए सी अपॉन में DF, ए सी अपॉन में DF, और ये जब दोनों साइड का रेशो, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो प्रोपोर्शनल या सेम है, तो इक्वल टू रेशो किसके बराबर, पेरीमीटर ऑफ किसका, ट्राइंगल एबीसी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ किसका, ट्राइंगल का, ऑफ डीईएफ। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो, उनकी साइड का रेशो प्रोपोर्शनल होगा उनके पेरीमीटर के रेशो के बराबर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें दे क्या रखा है, ए बी इज इक्वल टू 9.1, ये रहा, तो इसका ए बी इज इक्वल टू 9.1 अपॉन में डीई 6.5, डीई कितना है 6.5, इज इक्वल टू पेरीमीटर किसका, डीईएफ का, तो डीएफ नीचे है तो इसका पेरीमीटर कितना रखा है 25। पेरीमीटर किसका निकालना है, एबीसी का, तो पेरीमीटर किसका, एबीसी का, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया तो बचा गया 91 अपॉन में 65। जब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या हो, सेम हो, तो हम पॉइंट को हटा सकते हैं, इज इक्वल टू पेरीमीटर किसका, एबीसी का अपॉन में 25। ये 91 और 65 दोनों 13 की टेबल मारे हैं, 13 7 जा 13 5 जा 13 5 65 13 7 91, तो क्या आएगा, 7 अपॉन में 5 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन में 25। ये दोनों कट हो सकते हैं, ये 25 और 5 कट हो सकता है, या इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 इधर जाएगा, क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 7 इंटू 25,
पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 7 × 25 अपॉन में 5 × 5 = 25 तो पी ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 7 × 5 = 35 ये आ गया 35। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ एबीसी हमारा क्या होगा 35C। तो ऑप्शन इज सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो किससे है, सैंपल पेपर 2021-2022। क्वेश्चन नंबर 27 इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90। ये हमारे पास क्या है ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर, क्यू इज इक्वल टू 90। पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर एंड क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर। इसका मतलब क्यू एस किसके ऊपर है, क्यू आर के ऊपर, पी आर के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। ये क्यू एस, तो क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर मीन्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो क्यू एस की वैल्यू निकालनी है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, अब जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब पी क्यू आर जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ये बेस ये 90 डिग्री है तो इस बेस क्या लेंगे अगर पी क्यू लेंगे तो हाइट हो जाएगी हमारी क्यू आर, अगर बेस पी क्यू लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी क्यू आर, अगर बेस पी आर लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी क्यू एस। लेकिन हमारे पास क्यू एस नहीं है और पी आर भी नहीं है, और पी आर हमारा कैसे निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक आपको थोड़ा आसान तरीका बता रहे हैं एमसीक्यू के लिए, आपको टाइम थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी 12, तो तीसरी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 13 सेंटीमीटर। इसे थोड़ा याद कर लीजिए तो अपना पता लग जाएगा। अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगर एक साइड क्या है 15 सेंटीमीटर और एक क्या है 15 सेंटीमीटर और एक क्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर, एक क्या है 15 सेंटीमीटर, तो अगली क्या हो जाएगी 225 और ये जाएगा 6289 और ये जाएगा 25। एट सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो क्या आएगा 225, 64, 289 और 17 होगा। तो ये ट्रिपलेट याद कर लीजिए ताकि आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाए। अब जैसे इसमें हम लगाएंगे तो कितना जल्दी हो जाएगा, अगर हमारे को ये ट्रिपलेट पता होती तो हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 है ये 12 है तो 5 × 12 तो ये क्या जाएगा 13 हो जाएगा। क्या जाएगा ये 13, पी आर इज 13 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसे करके दिखा रहे हैं, चेक करिए, आप इसे लर्न कर लेना ताकि टाइम कम लगे। तो इसमें क्या रहेगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर निकालना है इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर कितना है 12 का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस में 144, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो दोनों को प्लस करेंगे तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो पी आर हमारे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पी आर 13 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें चाहिए क्या क्यू एस, तो ट्राइंगल का एरिया वो तो चेंज होगा नहीं, चाहे बेस हम पी क्यू ले लें चाहे बेस हम पी आर ले लें। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्रिपलेट याद कर लेना ताकि आपको आसानी रहे, ताकि आप डायरेक्ट कर सको और जिससे आप
बोर्ड के पेपर में आपसे जल्दी हो जाए और रिवीजन आप ढंग से कर सको। इसलिए आपको अगला सेम जो होगा वो बहुत शॉर्टकट मेथड से भी कराया जाएगा। तो एरिया ऑफ ए बी सॉरी पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ, अगर बेस क्या लेते हैं पी क्यू लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगी क्यू आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी क्यू आर। और अगर हम बेस क्या लेते हैं पी आर लेते हैं, क्या लेते हैं पी आर इज इक्वल टू फिर अगेन हाफ बेस क्या लेते हैं पी आर और हाइट क्या हो जाएगी क्यू एस, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हाफ से हाफ हाफ पी क्यू की जगह पाँच आ जाएगा और क्यू आर की जगह ट्वेल्व इज इक्वल टू हाफ पी आर की जगह थर्टीन और क्यू एस हमें निकालना है। तो हाफ से हाफ कट 12 को 5 से मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 13 क्यू एस, ये मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड 16 अपॉन में 13 इज इक्वल टू क्यू एस, तो आंसर कितना आ गया ए आ गया 60 अपॉन में 13, तो आंसर इज ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, अगर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट मीन्स अगर मेरे पास ये ए है और ये क्या है बी, जिसके पॉइंट क्या है 3, -4, बी के पॉइंट क्या है 1, 2, ट्राई सेक मीन तीन इक्वल पार्ट एट ए कॉमा माइनस टू, पी के कोऑर्डिनेट ए माइनस टू, क्यू के ये रहे और 5/3, B, देन ए और बी की वैल्यू क्या होगी आप थोड़ा सा ध्यान से करिए, जरा थोड़ा देखिए जल्दी करेंगे तो कैसे होगा। अगर मान लो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये सी है, अगर ये मेरे पास एक्स वन है, ये मेरे पास वाई वन, ये मेरे पास एक्स टू और ये मेरे पास वाई टू, ये एक्स और ये वाई, सी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका ए और बी का, तो अगर हम मिड पॉइंट लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स। तो हम ये कर सकते हैं कि देखो ध्यान से एक्स वन प्लस एक्स टू इन दोनों का सम इसका और इसका सम किया और उसको 2 से डिवाइड किया तो इसके बराबर, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाता है। इसके लिए ये वाली वैल्यू जो है इन दोनों इस वैल्यू का डबल करेंगे, मिड पॉइंट जो दे रखा है इसका डबल करेंगे तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ऐसे ही वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू किसका डबल होगा 2y का होगा। अगर हम इस तरीके से करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, देखिए एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इसका और वाई वन प्लस वाई टू सिमिलरली ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y हो जाएगा। इसको हम इसी तरीके से करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, देखिए अगर इनको शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा p ट्राइसेक मीन ये वाली साइड ये दोनों आपस में इक्वल, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ Q AB AQ और अगर PQ और QB ये भी आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो इसका मतलब A और Q का मिड पॉइंट P है। तो मैंने आपसे क्या कहता था इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे 3 + 5/3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसका ए का 2 ऑफ ए। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 3 आ गया, तो 9 + 5 इज इक्वल टू 2a, 9 और 5 = 14/3 इज इक्वल टू 2a, a मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड तो a कितना आ जाएगा 14/3 इंटू 1/2, ये 2 और ये 7, तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 7/3, ए कितना आ जाएगा 7/3।
दूसरा ए निकल गया। अगर हम इसे तरीके से करेंगे तो फॉर्मूला देखिए जरा ध्यान से, थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू मीन्स थ्री प्लस फाइव अपॉन में थ्री अपॉन में टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू इज इक्वल टू ए, ऐसे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, थ्री प्लस फाइव अपॉन में थ्री इज इक्वल टू टू ए, वही सेम ए की वैल्यू सेवन अपॉन में थ्री, तो अगर हमारे पास सेवन अपॉन में थ्री कहीं नहीं है यही है तो आंसर लगा देंगे क्या बी, आंसर क्या हमारे पास बी, तो बी ऑटोमेटिकली जीरो आएगा, चेक कर लेते हैं। तो क्यू इज, ये जो क्यू है क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट किसका पी बी का, तो इसका मतलब ए प्लस वन इज इक्वल टू फाइव अपॉन में थ्री, ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे बी की निकालने, माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसका बी का ट्वाइस, तो माइनस टू प्लस टू जीरो इज इक्वल टू टू बी, तो बी इज इक्वल टू जीरो, देखो जीरो आ गया। तो हमें जब ऑप्शन ए की है तो हम पहले दूसरा बी निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का मतलब क्या है, कॉस 30 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कॉस 30 का होल स्क्वायर इंटू, इसका मतलब क्या है कॉस 45 का होल स्क्वायर प्लस 4 का 4, ये क्या जाएगा sec 60 का होल स्क्वायर, और ये क्या है प्लस प्लस 1 अपॉन में 2 cos 90 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan 60 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, cos 30, cos 30 रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, cos 45 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 60, टेबल याद कर लेना sec 60 की वैल्यू क्या होगा 1 बाई 2 सॉरी 2 का होल स्क्वायर, sec 60 cos का उल्टा, cos 60 1 बाई 2 होता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 cos 90 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 tan 60 रूट 3 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर देंगे इसको, वैल्यू पुट कर देंगे, तो रूट का 3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 ये 0 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 बन जा 3 अपॉन में 8 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 6 3 2 जा 6, 16 में से 6 गया 10, 3 बाय 8 प्लस 10 क्या लेंगे इसके बाद एलसीएम, एलसीएम 8 तो 3 प्लस 80 क्या आ जाएगा 83 अपॉन में 8, 83 अपॉन में 8 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारे पास सी, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 10 मींस के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में के, 10 मींस x की वैल्यू 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 तो p, ये मेरे पास क्या है px, तो p 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 मींस x की वैल्यू 2 रखेंगे इक्वल टू 0, तो रख देंगे k 2 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 2 प्लस में k इक्वल टू 0, k का k x की जगह 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और ये k प्लस 3 2 जा 6 प्लस में k इक्वल टू 0, 4k प्लस में k 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये 6 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 5k इज इक्वल टू माइनस 6, k इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस 6 अपॉन में 5, जो हमारा आंसर कौन सा है बी, आंसर इज बी। ये हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू के कंप्लीट हो गए। अब 31 से 35 ये हमारे क्या होंगे assertion और reason के। अब assertion और reason में पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं।
कि एसेप्शन, क्योंकि इस बार जो सीबीएसई का जो पेपर है उसमें 5 क्वेश्चन एसेप्शन और रीजन के होंगे, इसीलिए ये सैंपल पेपर सीबीएसई का 2021 और 2022 जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें से ये क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि एसेप्शन और रीजन, तो एसेप्शन अगर मान लो हमारे पास एसेप्शन और रीजन जो हमें दे रखे होंगे अगर दोनों ठीक हैं, दोनों स्टेटमेंट एसेप्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, अगर करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेप्शन, अगर ए और आर दोनों ठीक हैं, बोथ राइट, दोनों ठीक हैं और रीजन जो है आर इज द एसेप्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब रीजन इज द एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब जो रीजन है वो क्या है, एसेप्शन की स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है, तब हम क्या लिखेंगे आंसर ए। बी कब लिखेंगे, जब एसेप्शन और रीजन दोनों सही हो, आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेप्शन, अगर ए और आर दोनों ठीक है, ए एंड आर बोथ आर राइट, लेकिन अगर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, मीन्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसकी, एसेप्शन की, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा, और अगर एसेप्शन सही है रीजन गलत है तो आंसर सी, एसेप्शन रॉन्ग और स्टेट और रीजन करेक्ट तो डी। तो अब इसे करेंगे हम क्वेश्चन, ये एसेप्शन ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जब दो इंडिपेंडेंट होते हैं, दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन, जब दो इवेंट क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं तब हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, पहला जो एसर्शन है क्या दे रखा है कि एसर्शन ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 और पी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/5 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6/25, तो ये हमारे पास इसके बराबर है, अगर ये इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, तो अभी आपने फॉर्मूला बताया था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी, इसका मतलब ये इसका क्या है एक्सप्लेनेशन है किसका, इंडिपेंडेंट इवेंट का, अगर दोनों सही है तो ठीक है, तो ये कितना देखा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6/25 इज इक्वल टू पी ऑफ ए 2/5 पी ऑफ बी 3/5 3×2=6, 6/25 तो इसका 6/25 दोनों सेम है, तो इसका मतलब पी ए और दे रखा है पी बी दे रखा है और ये दे रखा है, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, क्या है इंटरसेक्शन, इसे बोलेंगे इंटरसेक्शन मीन कॉमन, दोनों में कॉमन, तो पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो ये जो है रीजन किसका है एसेप्शन का, इसका मतलब जो हमारा ये प्रूफ हुआ है वेरीफाई हुआ है वो किसके हेल्प से, इस फॉर्मूले के हेल्प से, इसका मतलब ए भी सही है आर भी सही है और आर जो है ए का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसका ए आंसर होगा, क्या होगा ये ए होगा, बिकॉज आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमने जो ए को वेरीफाई किया है वो किसके हिसाब से, रीजन हमने बताया कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये रीजन होता है जो कि सही है। अगला एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय टू, इसका मतलब एन स्क्वायर माइनस एन डिविजिबल बाय टू, अब चेक करते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव एन अगर क्या ले लिया, वन ले लिया, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन जीरो,
जीरो इज डिविजिबल बाई टू, जीरो टू से डिविजिबल होता है। अब टू लेके देखते हैं, एन इज इक्वल टू टू, तो टू का स्क्वायर एन की जगह टू रख देंगे, माइनस टू, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, टू भी किससे डिविजिबल है, टू से डिविजिबल। अब थ्री रख के देखते हैं, एन इज इक्वल टू थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस सिक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री, नाइन माइनस थ्री, नाइन माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स भी टू से, इसका मतलब एन की वैल्यू हम पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो हर नंबर टू से डिविजिबल है। इसका मतलब एसर्शन सही है, एसर्शन हमारा सही है। अब दूसरा क्या कह रहा है, रीजन रूट टू इज नॉट ए रेशनल नंबर, रूट टू क्या रेशनल नंबर नहीं है, यस रूट टू इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये भी सही है, इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ए एंड बी एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, हमारे पास ए भी सही है और आर भी सही है, ए इज करेक्ट आर इज करेक्ट, लेकिन जो हमारे पास जो एसर्शन है उसका हमने रिजल्ट जो निकाला वो इसके हिसाब से नहीं निकाला। इसका मतलब आर जो है इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसका मतलब आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमने जो डिविजिबल किया है वो इसके हिसाब से नहीं किया, हमने इसके हिसाब से नहीं किया। इसका मतलब आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जबकि ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर इसका रीजन जो है इस एसर्शन का रीजन नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा, बी, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आंसर इज बी। आंसर 33, कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, अगर कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, वन के बराबर, तो हमें किसकी वैल्यू, क्या ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर साइन की पावर फोर है टू के बराबर होगा, चेक करते हैं। तो कॉस ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह क्या देंगे, साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, अगर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अगर कॉस ए के बराबर है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन की पावर फोर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर फोर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, साइन की पावर फोर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर फोर ए, इसकी जगह क्या रख देंगे कॉस ए, और इसकी जगह क्या रख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और जबकि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, वन के बराबर है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, ये टू दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो साइन स्क्वायर है साइन की पावर फोर है ये टू नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, तो इसका मतलब एसर्शन इज रॉन्ग, लेकिन हमने जो इसको वेरीफाई करने की कोशिश की उसके लिए हमने क्या करा, वन माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये रहा हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये सही है, इसका मतलब एसर्शन इज रॉन्ग रीजन इज राइट, जिसमें एसर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, एसर्शन इज रॉन्ग बट द रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर इज डी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा, 33 आंसर इज डी। अब नाउ 34, प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होंगे, जैसे एक डाई को फेंका तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 6, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2, 3, 5 कितने हैं, 3 है, तो पी ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 6, 1/2, तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी, 1/2, लेकिन हमें दे क्या रखी है, हमें दे रखी है 2/3, तो इसका मतलब एसर्शन इज रॉन्ग, और जबकि प्राइम नंबर जब डाई को फेंकेंगे तो क्या आएगा, 2, 3, 5, इसका मतलब 2,
3, 5 ये प्राइम नंबर है तो ये सही है. रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग. असर्शन ए रॉन्ग है और रीजन राइट है. तो आंसर क्या होगा? असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट. तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा. आंसर इज डी. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 35. एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस के वाई, 2x प्लस में के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. हैज नो सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू 2. तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. नो सॉल्यूशन के लिए हमारी ये वाली कंडीशन होती है. ये मेरा क्या है? a1, ये क्या है? a2, ये b1, b2, c1, c2. a1 क्या है? 1 अपॉन 2 और a2 क्या है? 2. a1 इज 2, सॉरी 1, a2 इज 2, b1 इज 1 एंड b2 इज k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 माइनस 4 और माइनस 3 माइनस माइनस कट. तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन k, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन k क्रॉस मल्टी k इज इक्वल टू 2. तो की कितना आ गया? 2. तो इसका मतलब सही है. तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. तो assertion इज राइट, assertion इज राइट. लेकिन उसने क्या कहा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. कंसिस्टेंट कब? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू k1 अपॉन k2. तो इसका मतलब सही है क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है. क्या ये यूनिक सॉल्यूशन? और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है. लेकिन ऊपर क्या पूछा उसने? नो सॉल्यूशन. नीचे किसका बता रहा है? वो यूनिक सॉल्यूशन. तो इसका मतलब हमारे पास assertion तो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो assertion को सेटिस्फाई नहीं करता. तो इसका मतलब assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट है और ऊपर क्या है? कंसिस्टेंट मीन यूनिक सॉल्यूशन. लेकिन assertion क्या पूछ रहा है? नो सॉल्यूशन. अगर ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन देता तब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता. तो आंसर क्या आएगा? assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. क्योंकि assertion हमारा नो सॉल्यूशन है और रीजन हमारा कंसिस्टेंट कह रहा है. कंसिस्टेंट मीन या तो यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन. ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है और ऊपर नो सॉल्यूशन है. तो इसका मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन, हमारा आंसर क्या है? बी. ये हमारे आंसर 31 से लेके 35 तक assertion और रीजन के क्वेश्चन कंप्लीट. अब मूव करेंगे हम लास्ट 5 क्वेश्चन जो हमारे किसके हैं? केस स्टडी के. और ये हमारा सैंपल पेपर 2021-2022 क्लास 10th मैथ्स का. ऐसे ही आपके और सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे साइंस के, मैथ्स के, 9th अदर क्लास के लिए. बट ये हमारा क्या है? साइंस मैथमेटिक्स क्लास 10th 21 और 22 का. तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मैक्सिमम लाइक शेयर करिए ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें. जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज. आंसर द 31 से 40 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी. केस स्टडी क्या है? किसी भी एक बुक में से एक पैराग्राफ लिया जाएगा और उस पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपको उनको जवाब देना पड़ेगा. इन केस स्टडी, द केस स्टडी क्या है? कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन क्या है? द प्लेन फिगर, टू डायमेंशनल प्लेन फिगर, एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डर्ड पेयर, जो किसमें लिखेंगे बेटे? एक्स और वाई में. कोऑर्डिनेट क्या है? पहला एक्स का, दूसरा वाई का. वी मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ हाउ अलोंग, हाउ फार अलोंग एंड हाउ फार अप इट इज. मींस कोई कितना आगे है और कितना ये ऊपर है. एक्स के अलोंग कितना दूर और वाई के अलोंग है तो कितना ऊपर. द लेफ्ट साइड, लेफ्ट ये रहा हॉरिजॉन्टल के लेफ्ट, कॉमनली कॉल्ड एक्स एक्सिस. मींस ये हमारा क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल क्या कहलाता है हमारा? एक्स एक्सिस. और वर्टिकल वाई एक्सिस. अब मींस अगर हमने कार्टेशियन प्लेन, ये मेरे पास स्क्रीन ऑफ मोबाइल
और स्क्रीन ऑफ लैपटॉप, ये हमारा क्या है कार्टिजन प्लेन। इस कार्टिजन प्लेन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, चार में। ये क्या कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये एक्स डैश, एक्स डैश मीन माइनस ऊपर वाई और ये वाई डैश नीचे, अप वर्टिकल इन द डायरेक्शन कॉमनली वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स एक्सिस, वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। ये क्या है जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन के राइट की तरफ एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ एक्स नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे की तरफ वाई नेगेटिव। बेस्ड ऑन द फैक्ट द केस स्टडी इज प्रोवाइड बिलो, रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग। तो क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रियन ऑफ लिग्नाइट अ स्मॉल माइनिंग टाउन फ्रॉम द 1800 शताब्दी में आर्कियोलॉजिस्ट ने यह स्टडी किया था कि जो लिग्नाइट की जो समाप्ति है, नुकसान है स्मॉल माइनिंग जो 18वीं शताब्दी में, ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करने की स्टडी कर रहे थे। दे प्लॉट द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन टू शो द एग्जैक्टली वेयर ईच आर्ट फैक्ट आर फाउंड। उन्होंने कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, उसके हिसाब से उन्होंने लोकेट करने की कोशिश की एग्जैक्ट पॉइंट को। दे आर यूजिंग द कोऑर्डिनेट प्लेन एज ए मैप सेक्शन ऑफ द टाउन। उन्होंने क्या एक कोऑर्डिनेट प्लेन, मैप मीन्स एक मानचित्र, मीन्स मानचित्र को यूज करने की कोशिश की जिसमें लोकेट किए मेडिसिन बोतल को रिप्रेजेंट किया एम से, डोर नॉब को किया डी से, पोट्री जैक को किया जब को किया जे से, एंड ईच यूनिट मीन्स एक यूनिट किसके बराबर, 5 मीटर के बराबर। इसके अलावा अगर एक यूनिट 5 है तो 4 यूनिट किसके बराबर होंगी, 4 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएंगी 5 × 4 मीटर, मीन्स जितनी यूनिट होंगी उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, उसने कहा हाउ फार द डोर नॉब, डोर नॉब को किससे किया डी से, और मेडिसिन बोतल को किससे किया एम से। तो डोर नॉब डी एरा ये पॉइंट है, तो ये क्या है यहाँ पर ये, और मेडिसिन बोतल ये एम है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये निकाली। तो इसका मतलब किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, किसके अलोंग है एक्स एक्सिस के। तो सीधा डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये कितना है -3 और ये कितना है 2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना हो गया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा 3 यूनिट, और ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ 2 यूनिट। तो इसका मतलब डोर नॉब और मेडिसिन बोतल के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 3 + 2 = 5, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, डोर नॉब एंड मेडिसिन बोतल के बीच में कितना, 3 + 2 = 5 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर है 5 के, तो 1 यूनिट = 5 मीटर। तो कितने यूनिट है, 1 यूनिट = 5 मीटर, कितने यूनिट है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट = 5 को 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 25 मीटर। इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी 25 मीटर है, जो हमारा आंसर क्या है बी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 जो हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है, हाउ फार अपार्ट द मेडिसिन बोतल मीन एम एंड पोट्री जग मीन जे, एम और जे के बीच की दूरी। पहले एम देखते हैं, एम ये रहा एम, दिस इज ये कितना पॉइंट है, एक्स के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हैं 2 और वाई के कोऑर्डिनेट -1 2 -1, और डी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं डी डी ये रहा तो कितना है -3 - 1, और ये क्या है जे, जे के कोऑर्डिनेट ये कर दिया और ये कर दिया, तो कितना है एक्स कितना है यहाँ पर 2 और वाई कितना है 4 2 - 4। तो उसने क्या पूछा है एम और जे के बीच का डिस्टेंस, एम ये रहा और जे ये रहा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट, तो 4 + 1 तो कितना जाएगा 5 यूनिट, कितना जाएगा 5 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन एम एंड जे कितना आएगा 5 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर है 5 मीटर के बराबर, 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर 5 × 5
इज इक्वल टू 25 मीटर आ जाएगा। तो दिस इज 25, आंसर इज सी, ये हमारा 37 है। अब करते हैं 38, हाउ फार द डोर नॉब, दिस इज डोर नॉब एंड पोल्ट्री जैक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हमने, निकालना है डोर नॉब और इनके बीच का डिस्टेंस। तो पहले इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ये कितना है -3, -3, कितना है -1, और ये क्या है हमारे पास 2, -1, ये क्या है हमारे पास, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और ये कितना आएगा हमारे पास J का पॉइंट X, हमारे पास 2 और Y कितना है 4, 2, 4। या तो हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दें -3, -1 ये आएगा, या हम सीधा ही करते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, 3 ये रहा 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, कितना हो जाएगा 5, दिस इज 5 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 1 और ये 4, ये भी कितना हो जाएगा 4 और 1, 5 यूनिट, ये भी कितना हो गया 5 यूनिट। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और या इन दोनों के बीच का सीधा डिस्टेंस निकाल देंगे, किसके बीच में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, आसान कौन सा है ये वाला, ये कितना है 5, ये कितना है 5, तो हमारे पास क्या आएगा ये निकल जाएगा, हम इसके इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे ये x1 y1, ये x2 और ये y2, तो इससे भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, अदरवाइज हमारे पास सीधा है ये क्या है dj, dj का स्क्वायर इज इक्वल टू dj का स्क्वायर इज इक्वल टू dm का स्क्वायर प्लस में jm का स्क्वायर, तो dj का स्क्वायर इज इक्वल टू dm कितना है 5 का स्क्वायर प्लस में ये भी कितना है 5 है, कितना है 5 का स्क्वायर, तो dj का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अभी आपको एक और छोटा तरीका बताते, देखिए अगर dj क्या हो जाएगा, इनका रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, जब ये दोनों सेम हो, जब ये दोनों सेम हो तो एक को बाहर निकाल दो और अंदर क्या लगा देंगे रूट टू, जब क्या हो दोनों सेम हो तो 5 रूट टू, तो रूट टू की वैल्यू 5 × 1.414, 5 से इसको मल्टीप्लाई 1.414 को 5 से 7.7 क्या आएगा आंसर 7.07 मीटर, तो आंसर क्या आएगा हमारा डी, लेकिन ये यूनिट है तो इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, किससे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा 35.35, जो आंसर क्या हमारा डी आएगा। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कैसे देखिए इसके कोऑर्डिनेट -3, -1, इसके कोऑर्डिनेट 2, 4, ये मेरे पास क्या जाएगा x1, ये क्या जाएगा y1, ये x2 और ये y2, तो फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट, रूट में ये कितना है x2, 2 माइनस, देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस में ये क्या है 4 - -1 का होल स्क्वायर का होल रूट, अब बताओ 2 का 2 -- प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 + 3 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर का होल रूट 5√2, आंसर इज डी, दोनों तरीके से किससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कोऑर्डिनेट ऑफ जग एंड मेडिसिन बोतल रेस्पेक्टिवली, हम सबके निकाल लेते हैं डी, डी के कोऑर्डिनेट अभी निकाले थे आपने
एक्स माइनस थ्री और वाई माइनस वन, और एम के कोऑर्डिनेट एक्स कितना टू, देखो एक्स यहां से यहां टू और वाई नीचे है तो क्या आएगा माइनस वन, देखो तीन और ये माइनस टू वन नीचे, यहां क्या है जे, यहां से ये एक्स कितना है दो, एक्स कितना है दो और वाई कितना है फोर, वाई कितना है फोर, वाई इज इक्वल टू फोर, देखो यहां से यहां वाई एक्सिस फोर है। तो पूछा किसका है जग का, जग क्या है मेरे पास ये रहा टू कॉमा फोर, या तो ए या डी, लेकिन क्या पूछा इसके बाद मेडिसन एम टू माइनस वन, तो आंसर क्या आएगा इसका टू कॉमा फोर टू माइनस वन, तो कौन सा आंसर है इसका ए, आंसर इज ए। एंड द कास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डोर नॉब, डोर नॉब की लोकेशन, अभी आपने बहुत सारे किए डोर नॉब ये रहा, तो यहां से ये और ये, तो क्या आएगा एक्स कितना है तीन, कौन सा नेगेटिव, वाई कितना है नीचे, नीचे मतलब माइनस में माइनस वन, तो डोर नॉब की लोकेशन क्या है माइनस थ्री माइनस वन, आंसर इज ए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट क्वेश्चन है माइनस थ्री माइनस वन द लोकेशन ऑफ डोर नॉब, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर 2021 सीबीएसई का मैथमेटिक्स का। इसके बाद आपको फिर मैथमेटिक्स के और सैंपल पेपर आएंगे, केस स्टडी के अलग आएंगे, रीजनिंग के अलग आएंगे, तो रेगुलर वॉच करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन का बटन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जिन्होंने कर रखा है थैंक फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब, एंड आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ योर group or friend. Thanks for watching video. Please like, share and subscribe. Again, thanks for the next coming video.